अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम 3D स्टेयर पे काम करेंगे और देखेंगे आप डिफरेंट किस्म की स्टेयर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और मैंने जो यूनिट सेट की हुई है यहाँ पे यूएन एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यूनिट इंचेस में आगे रखी और 0.08 मैंने यूनिट सेट की हुई इसकी। यहाँ पे मैं सी एंटर करूंगा, सर्कल ड्रॉ करता हूँ और सर्कल में यहाँ पे जो दे रहा हूँ ये तकरीबन 4 फिट का मैं सर्कल दे देता हूँ। यहाँ पे 4 इंच हो गया, सी एंटर, 4 फिट का मैं सर्कल दे देता हूँ इसको और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसकी मिड पॉइंट में से, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं एरे AR एंटर करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ और इसको पोलर एरे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको वायरस में कंट्रोल जी करता हूँ, AR एंटर सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक, पोलर एरे दे दिया, मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए पोलर एरे रख गया यहाँ पे और मैं इसके आइटम जो देता हूँ वो मैं देता हूँ उसको 17 आइटम देता हूँ इसको और ये जो एरे मेरे पास देखिए मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ सारे सारे मेरे पास सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसके लिए मैं एक्स एंटर करूंगा, एक्स एंटर सारे को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, एक्सप्लूड हो गया, आप देखिए अलग अलग होगी सारी लाइन। सी एंटर करता हूँ इसके मिड पॉइंट में से, सी एंटर मिड पॉइंट सी एंटर करता हूँ और इसे मैं देता हूँ तकरीबन 4 इंच सर्कल देता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ अंदर से सारा सारा अंदर से ट्रिम कर दिया। SW आइसोमेट्रिक व्यू में इसको लेके जाता हूँ और यहाँ से अब मैंने जो कमांड अप्लाई करनी है वो सॉलिड में जाके तो मैं प्रेस पुल कमांड यूज करूंगा मॉडलिंग में से। प्रेस पुल कमांड जबरदस्त कमांड है इसके लिए, इसमें आपको बाउंड्री वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सट्रूड जब आप करते हैं उसके लिए बाउंड्री वगैरह की जरूरत पड़ती है तो मैं प्रेस पुल कमांड यूज कर लेता हूँ, आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। तो मैंने प्रेस पुल कमांड यूज करनी है, सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से इसको, सबसे पहले मिड में से इसको सिलेक्ट करें और इसको मैं दे देता हूँ तकरीबन इसको मैं 10 फिट और 6 इंच यहाँ से इसको देता हूँ। अंदर से इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मल्टीपल के लिए एम एंटर करता हूँ, मल्टीपल मैंने जो है तो प्रेस पुल यूज करनी है। देखें आप ये आसान कमांड है, आप बस एक्सट्रूड कमांड से ज़्यादा इजीली आप इसके काम कर सकते हैं। ओके एंटर और इससे मैं देता हूँ तकरीबन 7 इंच की इसको हाइट दे देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ पे जाके रियल इलास्टिक व्यू में जाके देखें तो देखें आपस बिल्कुल सही बन गया। अब मैं यहाँ से इसको जो है तो इसमें कंसेप्चुअल व्यू में जाके जाता हूँ और देखें मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए मैं एंटर करूँगा, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसको यहाँ से मूव करूँगा तो ये इजीली मूव हो जाएंगे। लेकिन जब मैं रेलिंग इसके ऊपर लगाऊंगा तो उसमें बड़ा मसला होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसको 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ, मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी के ऊपर रेलिंग बना लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ, इसका मिड पॉइंट है, इसमें से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, बल्कि सर्कल को मैं पूरी एक सेंटर करता हूँ, इसमें देता हूँ जी 1.5 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसको मूव करूंगा यहाँ से मैं, एम एंटर करता हूँ मूव के लिए, एम एंटर सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और इसको यहाँ से मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे मूव कर दे। ओके अब मैं यहाँ पे फिर एरे कमांड अप्लाई करूंगा, एरे के लिए AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पोलर एरे, मिड पॉइंट आप ले लें, ये मिड पॉइंट है इसका, एरे देखिए मेरे पास आ गया और मैं इसको आइटम जो दूंगा वो देता हूँ इसको मैं देने जी, मैंने इसको आइटम जी वो 17 कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, को यहां से टॉप में आ जाए, सी एंटर, सी एंटर 1.5 एंटर, एम एंटर मूव कर लें इसको, मूव एम एंटर उसे मूव करता हूं जी मैं यहाँ से, शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करें, राइट क्लिक शिफ्ट को प्रेस करके और इसे मैं मूव करूंगा जी यहाँ से कोऑर्डिनेट से मैं इसे मूव टेंजेंट से मूव कर लेता हूँ, टेंजेंट इसका ये आ जाता है, ये इसका टेंजेंट है, इसे मैं मूव करता हूँ इसको थोड़ा सा। ओके ये मूव हो गया, अब मैं यहाँ पे एरे लेता हूँ, एरे AR एंटर
select object, right click, polar array, midpoint, और ये polar array में देता हूँ तकरीबन 70. ओके अब सही हो गया. SWS metric में आते हैं. ओके अब हमारे पास ठीक हो गया. अब मैं यहाँ से इन सब को select करता हूँ, express कर लें इनको, select करके X, सारे टूट गए, अलग अलग हो गए. अब दोबारा से मैं इनको इस तरह करता हूँ कि press pull command use करूँगा. प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ एक बार, मल्टीपल के लिए एम एंटर करता हूँ और इन सबको आप सिलेक्ट करते जाएं. प्रेस पुल मल्टीपल के लिए एम एंटर. एंटर करता हूँ और इसे तकरीबन मैं यहाँ से 30 इंच उठा लेता हूँ, बल्कि मैं 3 फिट तक उठा लेता हूँ, 3 फिट. ओके यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो गया. अब हमने क्या करना है कि इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए मैं यहाँ से जो है तो कंसेप्चुअल व्यू में आता हूँ. मूव करते हैं इनको यहाँ से, मैं इस साइड से मूव करना चाह रहा हूँ, जिस साइड से मर्जी आप मूव करें. मूव करते हैं यहाँ से एम एंटर, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से उठा के इसको इसके ऊपर रख दिया. एम एंटर मूव किया, इसको सेलेक्ट किया ऊपर वाले, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया. एम एंटर, इसको सेलेक्ट किया ऊपर से, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको उठा के यहाँ पे यहाँ पे रख दिया. मूव एम एंटर, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसको उठा के यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया. एम एंटर, दोनों को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ पे आप रख दें. एम एंटर, दोनों को सेलेक्ट करें और यहां से उठाएं और इसको इसके ऊपर रख दें. एम एंटर, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसको यहां से उठाएं और यहां पे रख दें. Enter. Enter. Control C, move M enter, M enter. M enter. और लास्ट वन पर सेलेक्ट कीजिए. M enter.
तो बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरीकाकार आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो, किस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हो, तो आप वही चीज़ बना सकते हैं अगर आपको इस तरह की ऑटोकैड की कमांड्स अगर आती हो तो। एमेंटर तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आप यहाँ पे ऑटोकैड में, इतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा ऑटोकैड में, आप जो है तो ईजिली हर चीज़ बना सकेंगे। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। एमेंटर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें हर रोज़ जो है तो, कम से कम अगर ऑटोकैड आप सीख रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आप रोज़ प्रैक्टिस किया करें इस पर। एमेंटर ओके तो यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि पॉली लाइन, जो 3D पॉली लाइन है वो मैं लेता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ से 3D PL करता हूँ, PL Enter 3D पॉली, और यहाँ से इसके इस पॉइंट से आप ले लें, पॉली लाइन आप ले लें 3D पॉली लाइन, इसके मिड पॉइंट में जोड़ते जाएं। F8 प्रेस कर लें। ओके ये हमारे पास यहाँ पे लग गई। अब एक काम करें कि इसको जो है, इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से मैं थोड़ी वायरफ्रेम में आता हूँ और इसको स्पेंड में पॉइंट मूव करता हूँ, सी एंटर करता हूँ यहाँ से, और इसे मैं दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ 1 इंच, एक सर्कल दे देता हूँ। और अब मैं यहाँ से जो है काम करता हूँ कि इसको मैं जो है तो यहाँ से, एक तो आप यहाँ से एक्सट्रूड में जाके लॉक कमांड की वजह से भी काम कर सकते हैं और एक और काम कर सकते हैं, आप EXT एंटर करें, इसको सिलेक्ट करें एंटर, और पाथ के लिए P एंटर कर लें, दोनों तरीके आप दोनों तरीके काम कर सकते हैं। ओके अब देखें ज़रा आप वापस, यहाँ पी लग गया, और इसे आप जाके कंसेप्चुअल व्यू में जाके देखें, और यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें, तो ये आपस क्या हो गया यहाँ पे देखें। ये आपस यहाँ पे लग गया। अगर आप इसको ज्यादा हाइट देंगे तो ये आपस जबरदस्त यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन एक और काम कर सकते हैं आप, इसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तब ये आपस ये जबरदस्त रहेगा, या फिर आप यहाँ से इसको बढ़ा दें
आप देखें तो आप बिल्कुल जबरदस्त आपको लग रहे, देखें देख सकते हैं। यहाँ से भी इसको बढ़ा दें थोड़ा सा, तो इसका मैं बताता हूँ प्रोसेस। कंट्रोल जी प्रेस कर लो, करो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये सर्कल इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं, अब इसे करें जी, यहाँ से आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और लॉफ्ट स्वीप कमांड यूज कर सकते हैं। स्वीप कमांड के लिए क्या, मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया स्पेस और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये स्वीप कमांड आ गई, लेकिन एक्सट्रूड कमांड से ही बेस्ट रहेगी। ई एक्स टी एंटर, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, पाथ के लिए पी एंटर, ये वाला पाथ देता हूँ उसको। अब जबरदस्त आ जाएगा, अब देखें जरा इसको इलास्टिक में जाके देखें। हाँ अब बिल्कुल जबरदस्त आ गए, देख सकते हैं। मेरे से अगर आप कॉर्नर भी चूज करेंगे तो कॉर्नर में भी सही रहेगा। इसको मूव कर लें अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ, या आपकी मर्जी। यहाँ से आप सिलेक्ट करें, देखें सिलेक्ट में करता हूँ, यहाँ से फेस सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको मूव कर सकते हैं आप यहाँ से, जितना मूव करेंगे इतना अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह ही बना सकते हैं, थोड़ी सी आप फिनिशिंग करने के लिए आप इसे इसको सिलेक्ट करके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्लानर होता तो मैं यहाँ से इसको स्मूथ कर लेता, स्मूथ कर लें फिल्टर, देखें थोड़ा स्मूथ करेंगे यहाँ से, तब भी हो जाएगा। तो ये आप बस यहाँ पे आप इस तरह स्टेयर और ये काम कर सकते हैं। तो ज्यादा फिनिशिंग के लिए आप जो है तो इसको प्रैक्टिस करें बार बार, और आप इंशाल्लाह काम कर लेंगे इस पे। दूसरा स्टेयर का एक और तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टेयर बनाने का एक और तरीका ये कि आप आर्क ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, अक्सर ऐसे स्टेयर भी आपने देखी होंगी, इस तरह की स्टेयर होती है। ऑफसेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ओ एंटर, 3 फिट का ऑफसेट ले लेता हूँ, बल्कि ज्यादा ले लेता हूँ, ओ एंटर, 5 फिट का ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे भी अपने एरे ले लेना है, ए आर एंटर, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, पोलर एरे ले लें और मिड पॉइंट इसका ये वाला दे दें। अब आपको ये बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आ रहा होगा, तो आप इसका जो है तो यहाँ से रो है बिटवीन, आप इसको बढ़ा दें और यहाँ से इसको जो है तो पोलर एरे में हमने क्या करना है, जिसको फिल जो है 360 या 360, इसको 90 कर देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। टोटल और ओके, ये देखें सही हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 17, उसी तरह देखिए 17 की मेरे पास यहाँ पे देखें आ गया, तो फिर 90 आप इसको कर दे, 90 करेंगे तो ये भी इस एंगल पे आ जाएगा और आपस यहाँ पे आ गया। बाकी आपने इसी तरह जो है तो जिस तरह मैंने ये काम किया हुआ है एक्सट्रूड करते जाए EXT, और एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस तरह आप रख सकते हैं। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं आपस किसी भी किस्म के जो है तो स्टेयर्स बनाने की। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था लेसन नंबर 17 में, ये मेरे पास एक देखें, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है देखें मैंने ये यहाँ पे ये बनाया, देख सकते हैं आप। तो ये स्टेयर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बनाई है जिस तरह मैंने अभी आपको तरीका बताया। तो इसके लिए मैंने ये काम किया था कि मैं यहाँ से, मैंने आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैंने इसलिए किया था कि मैं इसको यहाँ से 2D वायरफ्रेम लेके आता हूँ, और यहाँ से मैंने 3D पॉलीलाइन ली थी PL एंटर, और ये पॉलीलाइन मैंने इस कॉर्नर से लेकर, सॉरी 3D पॉलीलाइन ली थी मैंने 3D पॉली, और इसको मैंने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया था, क्योंकि नीचे से नहीं स्टार्ट किया, नीचे से क्योंकि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है,
सो इस कॉर्नर से लिया था मैंने और यहां से इसको शायद तो मैंने F8 प्रेस करता हूं और इसके मैंने यहां से थ्री ऑब्जेक्ट्स ने सेलेक्ट ऑन ओके यहां तक मैंने लाइन ले ली थी और इसको मैंने जो मूव कर लिया था ऊपर एम एंटर इसी को आप मूव कर लें इसको मैंने मूव किया था तकरीबन इसको यहां से ड्रैग करके आप थोड़ा सा आगे ले जाएं कॉर्नर तक ले ओके इसको मैंने मूव किया था तकरीबन एम एंटर करता हूं 0 कामा 0 कामा और 3 फिट मूव हो गई है और एम एंटर लाइन को सेलेक्ट करें राइट क्लिक और इसको मूव करें एट द रेट 0 कामा 0 कामा 3 फिट 3 फिट इसको देखें मूव होगी अब मैंने क्या किया था यहां से लाइन ली थी एल एंटर इसके इस मिड पॉइंट से लेकर यहां तक एल एंटर मिड पॉइंट से लेकर स्ट्रेट लाइन के लिए F8 प्रेस किया था मैंने F8 प्रेस कर लें आप और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले और यहां से इसको जोड़ते जाएं हर 4 स्टेयर के बाद आप जोड़ते जाएं देखिए ये अब नई टेक्निक्स है ये इसमें मैंने स्टेयर बना ली थी जब स्टेयर बना लें आप तो फिर आप थ्योरी टेक्निक यूज कर सकते हैं पहले अगर स्टेयर बना ले तो ओके ये काम कर लिया मैंने अब इसको अपने यहां से जॉइन करने जी एंटर इसको इसके साथ इसको जॉइन हो गए अब यहां से वही काम करने जी सी एंटर कर ले सी एंटर सी एंटर और तकरीबन इसको दे देता हूं जी चलिए 3 इंच सही है मूव करता हूं इसको मैं यहां से स्वीप कमांड यूज कर लूंगा स्वीप कमांड इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक और यहां से इसको सेलेक्ट कर लिया देखिए तो ये स्वीप हो चुका है देख सकते हैं आप इसी तरह नीचे इनके नीचे भी आप सर्कल ड्रा कर लें और इसी तरह आप ये काम कर लें तो यहां से मैं व्यू में जाता हूं और ये मेरे पास जो व्यू है इससे मैं वर्ड व्यू करता हूं इसी से सी एंटर कर लें सी एंटर मैं कर लेता हूं जी 2 इंच कर लेता हूं या 1.5 इंच कर लेता हूं इसको मूव करूंगा एम एंटर और शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक करें और इसे मैं क्वाड्रेंट से मूव करता हूं ये क्वाड्रेंट है और इसे मूव करके मैं इसके ऊपर यहां पर रख देता हूं ओके अब मैं कॉपी करता हूं इसको सी पी एंटर सेलेक्ट करें राइट क्लिक और इस कॉर्नर से उठाकर कॉपी करते जाएं कॉपी कर ली इसको मैंने अब यहां से इसी तरह ext एंटर करें इसको सेलेक्ट करें राइट क्लिक एंटर पाथ पी के पाथ के लिए पी एंटर कर लें और ये पाथ दे दें देखें ये एक्सट्रूड हो चुके इसके साथ इसे ext एंटर इसको सेलेक्ट किया पाथ के लिए पी एंटर पाथ दे दें इसको इसी तरह ext एंटर इसको सेलेक्ट किया पाथ के लिए पी एंटर कर लें और ये पाथ दे दें इसी तरह ext एंटर सेलेक्ट किया इसको पाथ के लिए पी एंटर और ये वाला पाथ दे दें तो देखिए आपस यहां पे बन गया आप इसे जाके
रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें, कॉन्सेप्चुअल व्यू रियलिस्टिक में देखें, तो बिल्कुल सही। अब देखें इसमें क्यों सही फिनिशिंग आई है, इसमें फिनिशिंग इस वजह से आई है, अब ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे, लेकिन कोई नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं कि ये मैंने इससे मूव, इससे मैंने सही जगह पर एडजस्ट नहीं किया था, इस वजह से ये कर रहे हैं। चलें देखते हैं क्या, हाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, जो लाइन मैंने दी थी वो इसके उलट दे दी थी। ओके तो देखिए यहाँ पे इसकी में सही फिनिशिंग आ गया, बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे है, बिल्कुल सही एडजस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे वाले जो है इनको मैंने जो है, तो ये जो नीचे वाले जितने भी इनको मैंने थोड़ा कम स्पेस दिया था, इनको आप मूव करना चाहें थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये सही थोड़ा सा इसको यहाँ से हम एंटर कर लें, थोड़ा सा यहाँ से उठा के आप यहाँ पर मूव कर लें, या इसका साइज आप कम कर लें, साइज कम करेंगे तब भी ये ठीक हो जाएगा। एम एंटर, एक्स की वैल्यू में देता हूँ फॉर एग्जांपल 0.5, इसको मूव कर देता हूँ और पॉइंट ओके माइनस 0.5 कर दें, कामा वाई की वैल्यू भी जीरो कर दें, जेड की वैल्यू जीरो कर दें, यहाँ से मूव हो जाएगा। अब इन्हें थोड़ा सा मूव कर लें ताकि आपको सही हो जाएगा, यहाँ से इसे टॉप व्यू में लेके जाएं, कस्टम टॉप व्यू में ले जाएं और टॉप व्यू से आप देख लें, और यहाँ से इसको जो है तो 2D वायरफ्रेम में ले जाएं, देखें यहाँ से आप इसको मूव कर लें थोड़ा सा, या इसको मूव कर लें, या इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, मैं साइज देखें छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो है तो मेरे पास यहाँ पे इस कॉर्नर में लगा हुआ है, बाकी सारे इस साइड पे लगे हुए इसी वजह से, बल्कि ये तो मैंने अंदर वाले हैं, तो थोड़ा सा साइज का कम कर दें, मैंने साइज ज्यादा दिया होता, क्या अब जाके इसको देखें, अब बिल्कुल सही हो गए, देख सकते हैं, देखिए जरा आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं, आप इसमें टाइम देंगे जितना ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो आप जितना ज्यादा टाइम देंगे इतनी अच्छी आपकी फिनिशिंग होगी, इतनी जबरदस्त चीज आपकी बनेगी। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इनशाला नेक्स्ट लेसन भी कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज। We'll be right back.